हिमाचल प्रदेश का हर गांव स्वच्छ हो, इसके लिए प्रदेश सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में हमीरपुर जिला के बस्ती जनियारा पंचायत में स्वच्छता अभियान की शुरुआत पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने की। इस अवसर पर सांसद अनुराग ठाकुर, विधायक नरेंद्र ठाकुर भी उपस्थित रहे। फिलहाल प्रदेश सरकार के 90 दिनों के एजेंडे के अनुसार पूरे प्रदेश के अंदर कूड़ा संयंत्र लगाए जाएंगे ताकि कूड़े कचरे से निजात मिल सके। पंचायत में मंत्री वीरेंद्र कंवर ने झाड़ू लगाकर भी सफाई की। जिला की नडियाना सडियाना पंचायत में आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के दौरान पहुंचने पर पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पंचायत के गरीब परिवारों को वाटर प्यूरिफाइड भी उपलब्ध करवाए। वहीं नडियाना सडियाना पंचायत भवन के लिए 15 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इस मौके पर पंचायत के लोगों के अलावा स्कूली बच्चे भी मौजूद रहे। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्रालय के 90 दिन के एजेंडे के अनुसार प्रदेश में भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत गांवों, स्कूलों में शौचालय और बावड़ियों की साफ सफाई की जाएगी ताकि 2019 तक स्वच्छता मिशन सफल हो सके। जनता पार्टी की यहाँ राष्ट्रीय स्तर के ऊपर और प्रदेश स्तर के ऊपर जो है ये प्राथमिकता है कि हम हर गांव को स्वच्छ करेंगे, प्रदेश को स्वच्छ करेंगे ताकि 2019 तक जो है वो जो भारत का और भारत के प्रधानमंत्री का एक सपना है कि 2019 तक हम इस देश को स्वच्छ रूप से जो है वो महात्मा गांधी जी के चरणों में जो है उनकी जयंती के ऊपर जो है वो हम इसको समर्पित करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जब से जयराम ठाकुर जी की सरकार प्रदेश के अंदर बनी है, हमने जो ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्रालय ने इसको 90 दिन के एजेंडे में रखा है कि हम इसकी शुरुआत करेंगे। हम गांव-गांव स्तर के ऊपर जाएंगे, वहां पर हम जो हमारे पेयजल के जो स्रोत हैं, बावड़ियां हैं, कुएं हैं, उनको भी हम स्वच्छ करेंगे और साथ में जो है वो हमारे स्कूलों के अंदर, हमारे सार्वजनिक स्थानों के अंदर जितने भी शौचालय हैं उनको जो है हम स्वच्छता अभियान के अंतर्गत उनको भी स्वच्छ रखने के लिए समाज को प्रेरित करेंगे। जन जागरण के रूप में इसकी जो है वो हम जो है वो गांव-गांव स्तर पर, गली स्तर के ऊपर जो है वो शुरुआत करेंगे और आज इसी कड़ी में जो है वो हमने अपने कार्यक्रम से पहले जो है वो इस गांव में जो है वो झनियारा गाँव में आकर के जो है वो इसकी शुरुआत की है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पालमपुर के एक आईमा पंचायत को पायलट प्रोजेक्ट के तहत चुनकर कूड़ा कचरा से निजात दिलाने के लिए एक कूड़ा संयंत्र लगाकर काम किया जा रहा है और अगर ये पंचायत इसमें सफल रहता है तो पूरे प्रदेश में इसे नीति के तहत लागू करके पूरे हिमाचल को स्वच्छ बनाने के लिए साथ साथ संयंत्र के माध्यम से लोग कूड़े से निजात पा सकेंगे। एक पंचायत जो है वो आईमा पंचायत, जहाँ उसको जो है वो एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है वो हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। अगर वो कूड़ा संयंत्र जो है वो ठीक से चला, हमको रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं तो मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सोच है इस विषय के ऊपर जो है वो हम नीति ला रहे हैं। हम एक बड़ा प्रोजेक्ट बना करके जो है क्लस्टर अप्रोच के रूप में पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो ऐसे संयंत्र जो है वो स्थापित करेंगे जिससे जो कचरा है वो हमारे लिए जो है वो सिर दर्द ना हो, हमारे लिए जो है वो कचरा जो है वो एक लाभ का सौदा बने, उससे जो है वो हम जैविक खाद बनाने जा रहे हैं, ऐसा हमारी जो है वो योजना है।